अस्सलाम वालेकुम, मैं महफिश मलिक एक न्यू वीडियो में आपके साथ। आज मैं आपको खूबसूरत लॉकेट बनाना सिखाऊंगी जो बेसलेस है, जो हम डो पे ही अरेंज करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास एक लॉकेट बना हुआ है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए इसमें स्टोन्स हैं और बहुत छोटी बर्ड्स बनी हुई हैं। आप फ्लावर्स देख सकते हैं, ज्वेलरी में बहुत छोटे फ्लावर यूज होते हैं। ये मेरे पास पहले से तैयार है और ये टूल्स हैं जो हमें चाहिए। मैं आपको लीफ पे भी लॉकेट बनाना सिखाऊंगी। इन सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, और स्टार्ट द वीडियो। आज मैं आपको चेन शेप बताऊंगी। मैंने पहले हार्ट शेप पे बनाया है। शेप आप कोई भी जो आपको पसंद हो, आप कोई भी शेप जो है वो बना सकते हैं। डो को मैं आपको ओवल शेप में बताऊंगी। आपने अपने हाथ से प्रेस किया। आपने ये देखना है कि डो ड्राई होने के बाद उसका साइज छोटा हो जाता है, इसलिए जो साइज आपको चाहिए आपने उसे थोड़े से बड़े साइज में बनाना है। और हमारी बेस थोड़ी सी थिक बेस होगी, मोटी होगी क्योंकि ड्राई होने के बाद बहुत पतली हो जाएगी। देखिए ओवल शेप हमारे पास तैयार है। सबसे पहले मैंने पहले से तैयार करके बुक्स रखी हुई है, ये मैं भी आपको बनाना सिखा दूंगी। इसे हमने ग्लू लगाई। और ये लॉकेट में लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब हम लॉकेट की एक तरफ ग्लू लगाएंगे। इसमें हम नग लगाएंगे। लेकिन नग लगाने के बाद उसको हल्का सा प्रेस किया ताकि उसकी ग्रिप अच्छी हो जाए। वन बाय वन हम साथ साथ रख के दूसरी तरफ क्यों लगाएंगे जहां हमारी अरेंजमेंट आएगी। हम ग्लू इस पे ज्यादा लगाएंगे क्योंकि ग्लू ही से हमारी मजबूती आती है। ये बाद में ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, जो बिल्कुल नजर नहीं आएगी। मैं इस पे फ्लावर रख के हल्का सा पुश करना है कि हमारी डो के अंदर अच्छे से चले जाए। बच्चे के हम इसकी हमारे पास बहुत छोटी बर्ड्स बनी हुई है, उससे कवर करेंगे।
लगती है खूबसूरत लॉकेट हमारे पास तैयार है। डबल शेड में मैंने जो इसमें हुक यूज की है, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ये सिखाऊंगी, ये जीरो साइज वायर है, मैंने इसको डबल किया। ये सीजर से भी इजीली कट हो जाती है, ऐसा साइज लिया वायर का। स्टिक ही पे इसकी बाकी की एक्स्ट्रा वायर को हमने अपने नोजल क्लास से ट्विस्ट कर दिया। ये हुक हमारे पास तैयार है। ये हमें लंबी रखनी होती है क्योंकि इससे हमारी ग्रिप अच्छी होती है। इसे हम ग्लू में लगाएंगे और अपने लॉकेट में लगा देंगे। हमारे पास हुक तैयार है। वीडियो में आपको लीव पे लॉकेट बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके आप एयरिंग भी बना सकते हैं और लॉकेट भी आप अपना पूरा सेट उसमें तैयार कर सकते हैं। तब तक के लिए